हेलो इन्वेस्टर, वेलकम टू बैक माय चैनल। दोस्तों यहाँ पर जिनने भी HMA एग्रो के IPO में अप्लाई किया था उसका फाइनली अलॉटमेंट स्टेटस आ चुका है। तो जिन लोगों को IPO नहीं मिला उनके रिफंड्स जो हैं वो आज आने वाले हैं। और किन किन लोगों को किसी भी तरीके का कोई मैसेज नहीं आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से बताएं। और अगर आपने अप्लाई किया था तो मैं आपको बता दूं कि आपको कहीं ना कहीं IPO 100% मिल ही जाएगा, क्योंकि इसका सब्सक्रिप्शन भी कुछ खास नहीं हुआ है और इतनी अच्छी कंपनी भी नहीं थी कि इसका कामकाज भी कुछ ऐसा हो कि आगे चल करके आपको ये अच्छे खासे रिटर्न्स दे सके। तो काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से इस IPO को मैंने अवॉइड किया, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था। तो चलिए सबसे पहले इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस देख लेते हैं। तो HMA एग्रो IPO का सब्सक्रिप्शन स्टेटस आप देखेंगे तो फुल सब्सक्राइब तो ये IPO हो गया, लगभग 1.5-2 गुना के आसपास ये IPO सब्सक्राइब हुआ है। तो इसके साथ साथ इसके GMP पर अगर आप नज़र डालेंगे तो उसका GMP चल रहा है माइनस में, जो कि पहले 3-4% के आसपास का लिस्टिंग गेन दिख रहा था, लेकिन अभी फिलहाल में इसका GMP माइनस में चल रहा है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं। और दूसरी बात कि इसका अलॉटमेंट आने वाला था कल, ठीक है। यहाँ पर बेसिस अलॉटमेंट की डेट आप देखेंगे 29 जून था, तो अलॉटमेंट इसका हो चुका है। रिफंड की डेट भी यहाँ पर थी 30 तारीख, तो जिनको नहीं मिला होगा कल उनका रिफंड भी आ गया होगा। काफ़ी सारे लोगों का रिफंड्स यहाँ पर नहीं आया है। अब इसके फाइनली क्रेडिट कब किए जाएंगे शेयर्स, तो 3 जुलाई को इसके शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 4 तारीख को ये लिस्टिंग हो जाएगा। तो अभी तक काफ़ी सारे लोगों की कंप्लेन आ रही है कि रिफंड्स नहीं आए हैं, तो लगभग रिफंड्स तो काफ़ी कम लोगों के आएंगे, लेकिन उनको स्टेटस भी पता नहीं चल रहा है कि हमको अलॉटमेंट मिला है या फिर नहीं मिला है। तो आपको देख लीजिए इनके अलॉटमेंट के जो रजिस्ट्रार है बिग शेयर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है, तो आपको अपने ब्राउज़र पर चले जाना है, वहाँ पर बिग शेयर प्राइवेट लिमिटेड जब आप लिखेंगे तो ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप देखेंगे पूरा स्टेटस आप अपने IPO का यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कंपनी सिलेक्ट दिख रहा है, फिर यहाँ पे सिलेक्शन टाइप दिख रहा है या सर्च दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना IPO सिलेक्ट करना, देख लीजिए HMO एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड इस तरीके से। अब नीचे आप किस तरीके से चेक करना चाहते हैं, पैन नंबर, एप्लीकेशन नंबर या पैन नंबर, तो पैन नंबर पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना पैन नंबर डाल देना, सर्च पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक बॉक्स ओपन होगा, इसके अंदर आपका जो भी स्टेटस है, आपको IPO अलर्ट हुआ है तो कितने शेयर अलर्ट हुए हैं, अगर नहीं हुआ है तो आपका रिफंड पैसा कर दिया गया या नहीं कर दिया, पूरी की पूरी डिटेल्स में आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बड़ी आसानी के साथ मिल जाने वाली है। अब दोस्तों यहाँ तो ठीक है अलॉटमेंट तक, अब सवाल आ जाता है कि आपको यहाँ लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी क्या रखनी है, लिस्टिंग डे वाले दिन आपको क्या करना है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था इस IPO से मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो अगर आपको ये IPO मिल गया है तो जो भी 5% या फिर 10% या फिर 7-8% के आसपास का लिस्टिंग गेन आपको इस IPO से मिलता है तो आपको ले करके एग्जिट हो जाना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए IPO बिल्कुल भी नहीं है।